हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा ब्लेज प्रो 5G फ़ोन है, तो लावा ब्लेज प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन सेवर सेटिंग्स है, तो स्क्रीन सेवर सेटिंग्स को कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को भी सेट कैसे कर पाएंगे और कैसे एनिमेशन वगैरह आप अपने लॉक स्क्रीन स्लीप मोड पर लगा सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो लॉक स्क्रीन एनिमेशन वगैरह को आप कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे, सिंपली आपको इसमें से जाना होगा डिस्प्ले सेटिंग पे। क्लिक करते डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको जाना है स्क्रीन सेवर पे। तो स्क्रीन सेवर पे जाकर जो भी एनिमेशन आप सेट करना चाहें लॉक स्क्रीन पे यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिंपली ऑफ कर दें तो कोई भी एनिमेशन स्लीप मोड में शो नहीं होगा। क्लॉक एनिमेशंस को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। इसमें आप डिजिटल क्लॉक या एनालॉग्स को सेट कर सकते हैं, तो जो एनालॉग्स है आपका कुछ इस तरीके से शो करता है। इस तरीके से जो क्लॉक है आपकी क्लॉक शो करेगी, देख सकते हैं आप। यहाँ से हम इस लॉक स्क्रीन स्लीप मोड को चेक कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और जैसे आप कलर्स वगैरह को चेंज करना चाहें, इस तरीके से आप एनिमेशन में कलरिंग को शो कर सकते हैं, या फिर फ़ोटोज़ को शो करना चाहें तो फ़ोटोज़ भी आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। हर बार आपके डिफरेंट टाइप फ़ोटोज़ आ जाएगी और कस्टम पे जाकर आप फ़ोटोज़ को चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लॉक स्क्रीन एनिमेशन को सेट कर सकते हैं और यहाँ से चार्जिंग एनिमेशन, विल डॉकेड एनिमेशन वगैरह भी यहाँ से सेट करते हैं मोर सेटिंग्स पर जाकर। तो इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।